डीसी साहब, हमारे एससी साहब, सारे जितने ऑफिसर्स अधिकारी हैं, रेवेन्यू और इरीगेशन सब सब लगे हैं। पहले इन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं, जेसीबी मशीनें दे दी हमने लोगों को, डीजल भी देना कर लिया ताकि कोई लेबर मजदूरी जो देना पड़े, डीजल लेना पड़े, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रशासन साथ खड़ा है, लोग हौसले में है। अब पानी देखिए प्रकृति का है, उसको तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते, पूरा हिमाचल तबाह हो गया, सुनामी है, जापान बहुत आई, उनकी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वो भी हुई है, तो परमात्मा की, उसके आगे तो किसी का बस नहीं। पर हमारे जितने साधन हैं पूरे हमने जोंक रखे हैं और पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर मिनट टू मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं, हम सीएम साहब को रिपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? देखिए लोग बहुत हौसले में अब कर रहे हैं, अब कितना पानी आएगा हमारे लिए अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम सब जगह जेसीबी मशीनें, जहाँ पोपलाइन चाहिए, जहाँ डीजल चाहिए, जहाँ हमारे आदमी चाहिए, ठीक रिपेरा लगा रहे हैं, गांव वाले भी कर रहे हैं। 2 दिनों से काफ़ी पानी बढ़ा है तो कुछ गांव में बढ़ा है, पीछे आ रहा है। देखिए आप गुला चिका में गांव के गांव डूब गए, अम्बाला यमुनानगर में बहुत तबाही हुई है। अब पानी जो आ रहा है उसका तो देखिए कोई मुकाबला है ना, पूरे हिमाचल में हाईवे टूट के, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, उसके आगे तो किसी का कोई बस नहीं। पर हमारे यहाँ वहाँ से स्थिति अलग है, अब जितना पानी आएगा संभालेंगे, हम हिम्मत करके लगे हुए हैं।